सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फैबुलस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं मूलचंद बाजा और आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं घड़ी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, एक बार आप सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दीजिएगा, सभी विद्यार्थी। ठीक है, बिल्कुल माँ का लाडला बेटा, जय हिंद। बिल्कुल जय हिंद भैया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो हमने एक इसका पार्ट पढ़ लिया है, घड़ी। ठीक है, आज हम बात करेंगे आगे की। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से समझिएगा, घड़ी टॉपिक का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, समझिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। आज का पहला सवाल आ चुका है दोस्तों, तो आप इसका मुझे आंसर दीजिएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 5 बजे से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे एक ही सीध में होगी? जल्दी से बताओ, एक ही सीध में कब होगी? एक ही सीध में होने का मतलब है अतिव्यापन, ओवरलैप, डायरेक्शन बतानी है। क्या बतानी है? अतिव्यापन। ठीक है, सभी विद्यार्थी एक बार जल्दी से इस सवाल का आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है भैया, ओके, चलिए देखते हैं इस सवाल का आंसर। मैंने आपको कल कहा था, यानी इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब ध्यान से समझना। देखिए 2/11 गुणा बजे गुणा 30 प्लस माइनस थीटा। मैंने आपको ये कहा था कि ये जो फॉर्मूला होता है वो आपके बहुत सारे प्रश्नों में काम आएगा, अतिव्यापन में काम आएगा, विपरीत में आएगा, लंबवत में आएगा, और चाहे कितने ही डिग्री का कोण पूछे उनमें आएगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझिएगा आप सभी विद्यार्थी। देखिए 2/11 की जगह 2/11 अब है बजे, तो बजे में कितना आएगा? 5। तो ये लिख दिया 5 गुणा 30। ठीक है, प्लस और माइनस में से एक चीना ले लो, और याद रहे थीटा का मतलब होता है अति व्यापन में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। तो चाहे मैं किसी में +0 करूं चाहे -0 करूं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं कर दूं +0 या -0 करूं तो भी चलेगा। अब देखो 2/11 गुणा 5 गुणा 30 150। 150 को 2 से गुणा करूंगा तो 300, और बटे में कितना? 11। 300 में भाग किसका लगाऊंगा? 11 का मैं भाग लगाऊंगा। तो 300 में 11 का भाग लगाऊंगा तो देखो 11 दूनी 22, शेषफल बचा 8, उतारा 0, 80 हो गया। 80 में 11 का भाग, 11 7 77, शेषफल 3 बटे में 11। जितनी बार दोस्तों भाग जाएगा वो तो होती है मिनट। क्या होती है? मिनट। तो मिनट आ गई, लेकिन कितनी बजकर, जितनी बजे हमने लिया था? 5 बजकर। कितनी बजकर? 5 बजकर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पहले सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बिल्कुल एसएफ लवर सुनील, बिल्कुल ए आ रहा है, माँ का लाडला बेटा, आंसर ए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल नंबर 2। 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होगी? आपको विपरीत बताना है, अपोजिट बताना है कि अपोजिट कब होगी। तो सभी विद्यार्थी एक बार इस सवाल का आंसर देना कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। सुरेंद्र गोदारा, गुड इवनिंग, थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं सुरेंद्र। चलिए इस सवाल का आंसर बताइए कि 8 से 9 के बीच में विपरीत कब होगी, अपोजिट बताना है। अपोजिट जो दिशा होती है उसमें 180 डिग्री का कोण बनता है दोनों सुइयों के बीच में। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था, यदि आपको याद हो तो, कि प्लस कब होगा और माइनस कब होगा, जो अभी फॉर्मूला बताया था उसमें। यदि समय 6 से कम है तो प्लस कर दो, 6 या 6 से अधिक है तो माइनस कर दो। तो देखो दोस्तों, सूत्र अभी आपको लिखाया ही था, 2/11 गुणा बजे गुणा 30
प्लस माइनस थीटा, यही सूत्र इसमें काम आएगा भैया, ठीक है। अब देखिए कैसे, ध्यान से समझना, सेम वही चीज चलेगी, केवल थीटा का मान 180 लिखना है, ठीक है, ओके। अब देखिए 2/11 की जगह 2/11 गुणा बजे, बजे में कितना आएगा 8, गुणा किससे करूंगा 30 से। अब प्लस और माइनस में से एक चिन्ह आएगा, इस पर्सन में समय देखिए कितना है, तो आप कहोगे सर समय 8 है, तो बताओ ये 6 से कम है या ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर ये तो 6 से ज़्यादा है, और ज़्यादा होने पर आपको पता है माइनस होता है और थीटा का मान होता है 180, क्लियर। अब आगे देखिए, इसको हल करता हूँ, 2/11 गुणा 8 गुणा 30 240 माइनस 180, तो 2/11 गुणा 240 में से 180 जाएगा तो 60 बच जाएगा, 60 को 2 से गुणा कर दो 120 आ जाएगा, और बटे में 11, 120 में 11 का भाग लगा दो, भाग 10 बार जाएगा 110, शेष फल 10 बचेगा, बटे में 11, जितनी बार भाग जाएगा वो तो क्या होगी मिनट, मिनट आ गई, कितनी बचकर, तो आप कहोगे सर 8 बचकर, कितनी बचकर 8 बचकर, तो राइट आंसर हो गया। तो ये किस ऑप्शन में आ रहा है दोस्तों, तो ये डी में आ रहा है, किस में आ रहा है डी में, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। देखिए दोस्तों इसका एक आंसर वैसे भी आ सकता है, जैसे मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखिए ये जो सूत्र है इससे तो आप कैसा भी ऑप्शन हो उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता, लेकिन देखिए ये जो दोनों संख्याएं हैं ना, ये इनका योग 10, 20, 30, 40, 50 और 60 आ रहा हो, वही हमारा आंसर होगा, कब, जब किसी एक ऑप्शन में हो तब, ठीक है। और 10 में से 9 सवाल ऐसे होते हैं जिनमें एक ही ऑप्शन में इनका योग 10, 20, 30, 40, 50, 60 होता है, और 10 में से एक सवाल ऐसा होता है जिसके दो या दो से अधिक ऑप्शनों में उनका योग 10, 20, 30, 40, 50, 60 हो जाता है, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, 10 और 7 17 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता, 12 और 10 22 नहीं हो सकता, 10 और 10 20, तो 20 हो सकता है, तो आंसर डी, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, क्लियर। हमारे साथ जीके के गुरु जुड़ चुके हैं, जितेंद्र जी बागड़ी सर, जो हमारे इस फेबुलस एकेडमी पर जीके की बहुत ही शानदार क्लास लेते हैं, इसके तुरंत बाद में जीके की क्लास है, जुड़ना ना भूलें आप सभी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है लंबवत दिशा, कौन सी दिशा, लंबवत दिशा, कब, 7 से 8 के बीच में कितने बजे घड़ी के दोनों सुइये लंबवत होंगे, लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण। तो अभी जो मैंने आपको एक तरीका बताया था उससे भी इसका आप आंसर बता सकते हो, ठीक है, और अनादर तरीके से यदि आप पूरा करना चाहते हो तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया, आप उससे भी बता सकते हो। तो जल्दी से आप इस पर्सन का अभी जो मैंने ट्रिक बताई थी उससे इसका आंसर बताइए क्या होगा, सभी विद्यार्थी जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से विद्यार्थियों आंसर बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो दोस्तों 21 और 9 कितना होता है 30, तो ये हो सकता है, गुण 60 ये नहीं हो सकता, 20 और 8 28 ये नहीं हो सकता, 50 और 3 53 ये नहीं हो सकता, तो 3 में नहीं हो सकता, 1 में हो सकता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, ठीक है, माँ का लाडला बेटा आंसर ए बता रहा है, बिल्कुल राइट आंसर ए होगा। देखिए यदि हम फॉर्मूले से करते हैं तो ये तो हो गया सीधा, हमारा फॉर्मूला क्या है, 2/11 गुणा बजे गुणा 30 प्लस माइनस थीटा, और लंबवत दिशा में थीटा का मान होता है 90 डिग्री, और याद रहे लंबवत दिशा एक घंटे में कितनी बार होती है, दो बार, तो एक बार प्लस 90 एक बार माइनस 90। भरत सिंह राठौड़ आंसर ए बता रहे हैं, बिल्कुल यही होगा भरत। देखिए 2/11 गुणा बजे, बजे में कितना 7 गुणा 30, फिर देखिए प्लस का मान एक बार 90 करूंगा,
और एक बार में आपके सामने 2 बटावा 11 गुणा 7 गुणा 30 माइनस का मान कितना करूंगा 90। तो एक बार प्लस 90, एक बार माइनस 90, तो 200 में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझना, 2 बटावा 11 गुणा 200 हो गया ये कितना 7 3 21 यानी 210 प्लस का हो गया 90। तो 2 बटावा 11 गुणा 210 और 90 300, 300 को 2 से गुणा कर दो 600 बटे में 11, 600 में 11 का भाग लगाओगे तो 54 बार जाएगा, शेषफल 6 बटे में 11, ये तो हो जाएगी मिनट दोस्तों। ठीक है, लेकिन कितनी बजकर 7 बजकर, बताओ ये ऑप्शन में है क्या? ये नहीं है, नहीं है तो ये वो आंसर हो जाएगा। ये भी सही है यदि ऑप्शन में होता तो। 2 बटावा 11 गुणा 210 माइनस का 90, 2 बटावा 11 गुणा 210 में से 90 निकाल दीजिए तो 120 आ जाएगा, 120 को 2 से गुणा करने पर 240 आएगा बटे में 11, तो भाग जाएगा 21 बार, शेषफल 9 बटे में 11, ये तो हो गई मिनट, लेकिन कितनी बजकर 7 बजकर, तो ये आंसर ऑप्शन में है और ए ऑप्शन में था। तो मैंने इसकी ट्रिक भी बता दी, बेसिक भी बता दिया कि आप बेसिक से करते हो तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ओके। सवाल नंबर आपके सामने 4 आ रहा है दोस्तों, इसका 4 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बता दीजिए। 3 और 4 के बीच किस समय घड़ी की मिनट वाली, ठीक है, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी। 3 से 4 के बीच में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट क्या होगी, 4 मिनट क्या होगी पीछे, यानी जल्दी से बताओ भैया। राजेंद्र चौधरी बिल्कुल, राम राम भैया। अब इधर देखो, 4 मिनट पीछे, ठीक है, इसका मतलब एक चीज़ याद रखना, पीछे आ जाता है ना तो आपको जो सूत्र अभी मैंने करवाया था उसमें केवल माइनस करना है, और यदि आपको आगे का बोले तो जो सूत्र है उसमें आपको केवल प्लस करना है। और याद रहे, यदि आपको दूरी दे दे कि दूरी 4 मिनट की कब होगी, तो एक बार प्लस एक बार माइनस दोनों करना पड़ेगा। ओके, क्लियर। अब मुझे इसका आंसर बता दीजिए, सेम सूत्र आपके सामने रहेगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों, सूत्र वही रहेगा, 2 बटावा 11 गुणा बजे गुणा 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो थीटा का मान क्या होता है, कितने डिग्री का कोण, तो बताइए कितने मिनट पीछे, 4 मिनट, तो मिनट वाला सुइया 4 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 1 मिनट में कोण बनाता है 6 डिग्री का, तो 4 मिनट में बनाएगा 24 डिग्री का कोण, तो थीटा का मान कितना आएगा, 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24। अब देखो 2 बटावा 11 गुणा बजे में कितना 3 गुणा 30 गुणा 30। अब मुझे ये बताओ, पीछे पूछ रहा है तो क्या करूंगा, माइनस, और थीटा का मान कितना 24, इसको हल कर लूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 2 बटावा 11 गुणा 3 गुणा 30 होता है 90 माइनस का 24, तो 2 बटावा 11 गुणा 90 में से 24 जाएगा तो आंसर यानी 66 66 आ जाएगा, 66 को 2 से गुणा करूंगा तो 132 बटे में 11, 132 में दोस्तों 11 का भाग लगा दीजिए तो भाग 12 बार पूरा पूरा जाएगा, और जितनी बार भाग जाएगा वो होती है मिनट, क्या होती है मिनट, लेकिन कितनी बजकर, तो आप कहोगे दोस्तों 3 बजकर, कितनी बजकर 3 बजकर, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 3 बजकर 12 मिनट होगा। रविंदर विश्नोई बिल्कुल, राम राम भैया। ठीक है, तो 3 12 किस ऑप्शन में, बी में। माँ का लाडला बेटा, आंसर भी बताया है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है भैया, जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी, सोनू ने आंसर बी बताया है, बिल्कुल 4 नंबर क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके ओके,
आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, सेम पर्सन है, ठीक है, आंसर बता दीजिए क्या होगा। इसमें दूरी पूछी है तो एक बार प्लस एक बार माइनस। सुरेंद्र गोदारा सर वापिस बताओ। तो देखिए केवल आपको 4 मिनट क्या पूछा है, पीछे, पीछे का मतलब होता है माइनस। तो इस जो ये सूत्र है इसमें आपको माइनस करना है, और यदि यहाँ आगे दिया हुआ होता तो आपको प्लस करना था, और दूरी पूछे तो प्लस और माइनस दोनों। अब देखो 4 मिनट पीछे पूछा है, तो 4 मिनट का दोनों सुइयों के बीच में गैप कब होगा, तो याद रहे 4 मिनट में मिनट वाला सुइया कितने डिग्री का कोण बनाता है, वो है थीटा का मान। तो देखो 1 मिनट में मिनट वाला सुइया 6 डिग्री का, तो 4 मिनट में 24 डिग्री का, और वही बात है, केवल थीटा का मान 24 लिख दो और बाकी हल कर लो, सेम आएगा। ओके ओके, सेम सवाल है, 4 नंबर वाला ही, ठीक है। सभी विद्यार्थी जल्दी से इसका आंसर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। आपको 5 मिनट की दूरी बतानी है, दूरी में एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, और 5 मिनट की दूरी है तो मिनट वाला सुइया 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी थीटा का मान आपको 30 रखना है। कितना रखना है, 30। जल्दी से आंसर बता दीजिए भैया, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो समझिएगा, 2 बढ़ावा 11 गुणा बजे, बजे में कितना, 2 गुणा 30, एक बार तो प्लस और थीटा का मान कितना आया, 30। दूसरी बार क्या होगा, 2 बढ़ावा 11 गुणा 2 गुणा 30 माइनस का कितना, 30। एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक समय इससे आएगा एक समय इससे आएगा, और दोनों समय आ जाएगा। ओके, अब देखिए हल करता हूं, 2 बढ़ावा 11 गुणा 2 गुणा 30 करते हैं, तो 60 प्लस का 30, तो 2 बढ़ावा 11 गुणा 30, 60 और 30 कितना हुआ, 90। 90 को 2 से गुणा किया, 180, 180 में भाग किसका लगा रहा हूं, 11 का, ठीक है। तो 180 में 11 का भाग कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 16 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 16 बार। शेषफल कितना बचेगा, 4/11। तो जितनी बार भाग जाता है वो तो होती है मिनट, क्या होती है, मिनट। अब बताओ कितनी बजकर, तो आप कहोगे सर 2 बजकर। कितनी बजकर, 2 बजकर। तो 2 बजकर 16 से ही 4/4 इसमें भी है, ठीक है, इसको भी चेक कर लेता हूं। 2 बटावा 11 गुणा 2 गुणा 30 हो गया 60 माइनस का 30, तो 2 बटावा 11 गुणा 60 में से 30 जाएगा, 30 30 गुणा 2 60 बटे में 11, 60 में भाग किसका लगा दूं, 11 का, तो कितना आएगा, 5 बार, 11 × 5 = 55, शेषफल 5/11। ये तो हो गई हमारी मिनट, लेकिन कितनी बजकर, तो आप कहोगे सर 2 बजकर। तो ये दोनों आंसर सही है, अब ऑप्शन में एक है तो एक से वो ऑप्शन सही हो जाएगा, और दोनों है तो दोनों हो जाएंगे। तो देखिए ये भी सही है और ये भी सही है, तो डी ऑप्शन में दिया हुआ है, बी और सी दोनों, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। सुरेंद्र गोदारा ने इस बार बिल्कुल राइट आंसर बता दिया, सोनू ने आंसर बी बताया है, बी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन जो हमारे दोनों हैं वो ऑप्शन बी में और सी में है, तो बी और सी दोनों होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। क्लियर हो सभी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, बताइए भैया जल्दी से इस सवाल का आंसर बताइए कि शबनम प्रातःकाल 11 से 12 बजे के बीच बाजार गई तथा 2 से 3 बजे के बीच वापस लौटी, तो उसने देखा कि सुइयों की स्थिति वही थी जो पहले थी, ठीक है, तो बताओ वह वापस कितनी बजे लौटी। तो देखिए इस चीज को ध्यान से समझना, उसने देखा कि सुइयों की स्थिति वही थी जो पहले थी, तो ये मत सोचना कि जैसे ही वो बाजार गई तो घड़ी बंद हो गई,
घड़ी बंद होती तो समय यही तो दिखाता, लेकिन समय 2 से 3 इसका मतलब घड़ी बंद नहीं हुई है, घड़ी के जो दोनों सुइए हैं उन्होंने स्थान अपना अदल बदल कर लिया। क्या कर लिया? अदल बदल। तो देखिए दोस्तों, इसमें दो सवाल पूछ सकता है, जाने का समय और आने का समय, और हमें पूछ रहा है आने का समय। चाहे जाने का पूछे चाहे आने का पूछे एक ही बात है, चाहे जाने का पूछे चाहे आने का पूछे, इसका फॉर्मूला होता है 60/13, 60/13, ठीक है। अब देखो, घड़ी के दोनों सुइयों ने अपना स्थान क्या किया? अदल बदल किया। क्या किया भैया? अदल बदल कर लिया। तो अदल बदल कर लिया तो आप मुझे क्या कहोगे कि सर समय भी अदल बदल होगा, यानी आपको आने का पूछेगा तो आप जाने वाला लिखोगे, और जाने वाला पूछेगा तो आप आने वाला लिखोगे। तो हमें आने वाला पूछ रहा है तो हम जाने वाला लिखेंगे, लेकिन बाद वाला समय, कौन सा समय? बाद वाला समय। तो बाद वाला समय कितना है? 12। तो मैंने लिख दिया 12, 60 को 12 से गुणा किया तो आ गया 720 बटे में 13, ठीक है। तो 13×5 = 65, शेषफल बचा 7, उतारा 0, 70। 70 में 13 का भाग, फिर 5 बार 13×5 = 65, शेषफल 5 बटे में कितना? 13। जितनी बार भाग जाता है वो तो होती है मिनट। क्या होती है? मिनट। लेकिन वापस कितनी बजे लौटा? 2 से 3 के बीच में। तो 2 से 3 के बीच में समय कितनी बजकर होगा? 2 बजकर। कितनी बजकर? 2 बजकर। तो 2:55 सही 5/13 मिनट पर वो वापस लौटी। तो वापस लौटी तो किस ऑप्शन में है? तो आप कहोगे सर 2:55 सही 5/13 मिनट डी ऑप्शन में है, ठीक है, डी ऑप्शन। ये 11 बजकर है, 2 बजकर था, ठीक है सोनू, ए नहीं होगा, आंसर डी होगा। माँ का लाडला बेटा आंसर बिल्कुल डी बताया है, आपका आंसर डी बिल्कुल राइट है। देखिए दोस्तों, आप रोजाना यानी कई बार ये लेवल 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 सभी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, और एक से एक सवाल यानी हर टाइप का क्लॉक में मैं करवा रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, आगे चलता हूँ, कुछ क्वेश्चन वो भी हैं जो मैंने इस घड़ी के पहले पार्ट में पढ़ा दिया है, क्योंकि उनमें से कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, कुछ उनमें से नए, ठीक है। अब देखो, किसी घड़ी के समय को दर्पण में देखने पर 11:50 जैसा दिखाई देता है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या हो रहा है? ठीक है, पुनीत गोदारा, राम राम, बिल्कुल राम राम भैया, जय तेजा बाबा की, बिल्कुल। पवन कुमार, राम राम, बिल्कुल भैया राम राम, ठीक है। अब इसका आंसर दीजिए, सुरेंद्र गोदारा ने आंसर इसका सी बताया है, देखते हैं क्या आंसर होता है। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझना, दर्पण में मैंने आपको बताया था कि समय यदि 11 से कम हो तो 11:60 में से घटाओ, 11 से अधिक हो तो 23:60 में से घटाओ। तो समय कितना है? 11:50। तो समय 11 से अधिक है तो हम इसको कितने में से घटाएंगे? 23:60 में से घटाएंगे। तो 60 में से 50 जाएगा 10 बचेगा, 23 में से 11 जाएगा 12 बचेगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा 12:10, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल सुरेंद्र गोदारा आपका राइट आंसर है। प्रियंका चौधरी, बिल्कुल राम राम। पुनीत गोदारा का आंसर सी बिल्कुल सही है, पवन का आंसर बिल्कुल सही है, माँ का लाडला बेटा आंसर बिल्कुल सही है। ओके ओके, जल्दी से इस सवाल का आंसर बताइए भैया, इस सवाल का आंसर बता दीजिए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार तथा इसी प्रकार बजती है जितना की घड़ी में समय होता है, वह उतनी ही बार बजती है, ठीक है, जितना की घड़ी में क्या होता है? समय। तो बताओ एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी? जल्दी से इसका आंसर बताइए भैया,
क्या आंसर होगा? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, क्या आंसर होने वाला है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक बार समझना, मैं बेसिक से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, फिर ट्रिक बताऊंगा इसकी, ठीक है? अब देखो, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे दो बार, 3 बजे तीन बार, तथा इसी प्रकार बजती है जितना की घड़ी में समय होता है। तो दीवार घड़ी का अंतिम समय 12, इसका मतलब घड़ी में जितना बजा वो उतनी बार बजेगी। तो 5 बजे 5 बार, 8 बजे 8 बार, 12 बजे 12 बार, ठीक है? तो मैंने क्या किया, 1 बजे एक बार, 2 बजे दो बार, 3 बजे तीन बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, 7 बजे 7 बार, 8 बजे 8 बार, 9 बजे 9 बार, 10 बजे 10 बार, 11 बजे 11 बार और 12 बजे 12 बार, ऐसे ही बजेगी भैया। इन सब को यदि हम जोड़ेंगे तो 78 आएगा, 78। तो बताइए 12 घंटे में कितनी बार बजी? 78 बार। कितनी बार? 78 बार। लेकिन हमें ये पूछ रहा है एक दिन में कितनी बार बजेगी, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे में 12 कितनी बार बजती है? दो बार बजती है। इसका मतलब मैं इसको गुणा कर दूंगा 2 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 156, यानी 156 मेरा आंसर आ जाएगा, एक ए। क्या आ जाएगा? ए, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, ये तो था बेसिक, इसका फॉर्मूला भी देख लेना। एन कोष्टक एन प्लस एक बटा दो, एन कोष्टक एन प्लस एक बटा दो, ठीक है? एन का मान होगा घड़ी का अंतिम समय। क्या होगा? घड़ी का अंतिम समय होगा। तो देखिए घड़ी का अंतिम समय 12, 12 में एक जोड़ने पर आया 13, बटे में हो गया 2। काट दीजिए इसको, कितनी बार कटा? 6 बार कट गया। अब बताओ 13 गुणा 6 कितना हुआ? 78। जो ये इस सूत्र को हल करने पर जो आया वो n का मान रखा उसके बराबर आया, तो n का मान मानी 12 रखा, तो 12 घंटे बराबर आया 78, ठीक है? तो एक दिन में 12 कितनी बार? 2 बार। तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो 156 आ जाएगा। तो यदि आप फॉर्मूले से करते हो तो ये आपका तरीका रहेगा, बेसिक से करते हो तो ये आपका आंसर रहेगा 156। बिल्कुल माँ का लाडला बेटा आंसर ए बता रहा है, पुनीत गोदारा ने आंसर ए बताया है, पवन कुमार ने आंसर ए बताया है, ठीक है? बिल्कुल क्लियर है, सभी विद्यार्थी क्लियर हैं? बिल्कुल। देखिए एक दोस्तों, एक सबसे अच्छी बात बताता हूँ, आप आज पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, ये मेहनत आपके भविष्य में बहुत काम में आएगी, समझ गए? यानी ये मेहनत आपका भविष्य बनाएगी। जैसे मैं आपके लिए कुछ शब्द कहना चाहूँगा कि आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना तुम, आपका भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। तो दोस्तों आप में यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से अच्छे मेहनत कीजिए, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ठीक है, समझना। राजीव चौधरी कह रहे हैं रीजनिंग किंग, ओके, धन्यवाद राजीव। अब देखिए ध्यान से, एक घड़ी, ये सेम सवाल है, ठीक है, इसको समझिएगा। देखो एक घड़ी 1 बजे दो बार, 2 बजे 4 बार और 3 बजे 6 बार, तथा इसी प्रकार घड़ी में जितने बजते हैं वह उससे दुगनी बार बजती है, तो बताओ एक दिन में कितनी बार बजेगी? दोगुनी है। बिल्कुल, क्लास डेली आती है 7 बजे, ठीक है ना? बिल्कुल 7 बजे क्लास आती है डेली। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों, क्या होने वाला है? यूट्यूब पर पहली बार कह रहा है, गुड इवनिंग सर। बिल्कुल गुड इवनिंग भैया। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, एक घड़ी 1 बजे दो बार है, तो बताओ कितने गुणा है? दो गुणा है,
तो ये जो सूत्र था हमारा एन कोष्टक का एन प्लस एक बटा दो, जितने गुणा है ना उससे आगे लिख दो, बस तीन गुणा है तो तीन आगे लिख दो। अब देखो दो एन का अधिकतम मान 12 रख सकता हूं, 12 में एक जोड़ने पर 13 आएगा, बटे में कितना दो, तो मैं क्या करूंगा, मैं इससे इसको काट दूंगा, तो 13 को 12 से गुणा करने पर आएगा 156, कितना आएगा 156, ठीक है। लेकिन ये जो 156 आया वो इस सूत्र को हल करने पर आया और वो एन का मान आया, एन का मान अधिकतम कितना है 12, कितना है 12, तो 12 घंटे में 156 बार बजी, एक दिन में 12 दो बार बजती है, तो दो से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 312 आ जाएगा, ठीक है। तो 312 किस ऑप्शन में है दोस्तों, बी में है, बिल्कुल आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, पवन बिल्कुल राइट आंसर है, माँ का लाडला बेटा, पुनीत गोदारा, प्रियंका चौधरी ने आंसर भी बताया, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर है। तो देखो दोस्तों जितना आपको ये बोले इस पर्सन को, फॉर्मूला आपके पास ये है, बिना फॉर्मूले भी मैंने आपको अभी बताया था इससे पिछले क्वेश्चन में, सही बात है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए भैया, एक घड़ी 10 बार बजने में 36 सेकंड लेती है, 10 बार बजने में कितने सेकंड लेती है भैया, 36 सेकंड लेती है, तो वह 15 बार बजने में कितना समय लेगी, वह 15 बार बजने में कितना समय लेगी, बताइए भैया क्या आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए कि इस सवाल का क्या आंसर होगा 10वें क्वेश्चन का। मैं एक बार आप सभी से ये कह रहा हूं कि इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है, माँ का लाडला बेटा भी आंसर बता रहा है, देखते हैं क्या आंसर होता है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, देखो एक घड़ी है वो 10 बार बजने में, कितनी बार बजने में 10 बार बजने में 36 सेकंड का समय लेती है, कितने सेकंड का 36 सेकंड का, तो बताओ 15 बार बजने में वो कितना समय लेगी। तो याद रहे एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक घड़ी का नाम आ जाए, एक अलार्म घड़ी का नाम आ जाए, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि कोई भी घड़ी होती है या कोई भी अलार्म घड़ी होती है वो पहली बार बजने में कोई समय नहीं लेगी, क्योंकि जब वो पहली बार बजेगी तो समय की शुरुआत होगी और समय की शुरुआत हमेशा जीरो से होती है, ओके। अब देखो पहली बार में कोई समय नहीं लगा, पहली बार का मतलब एक बार में कोई समय नहीं लगेगा, तो एक बार में नहीं लगेगा तो समय कितनी बार में लगेगा, 9 बार में लगेगा, तो बताओ एक बार में कितना लगा 36/9, तो एक बार में लगा 4 सेकेंड, कितने सेकेंड लगे भैया 4 सेकेंड, ठीक है। तो इसको पहली बार में कोई समय नहीं लगा तो इसको भी नहीं लगेगा, क्योंकि किसी भी अलार्म घड़ी को पहली बार में कोई समय नहीं लगता, तो इसको भी पहली बार में नहीं लगा तो कितनी बार में लगा 14 बार में, तो एक बार में कितना लगा 4 सेकेंड, तो 14 × 4 कितना हुआ 56 सेकेंड, कितने सेकेंड भैया 56 सेकेंड आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ए होगा, क्या होगा भैया ए हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इसका राइट जो आंसर है भैया, पवन ने बिल्कुल राइट आंसर बताया है, प्रियंका चौधरी बी होगा, बी नहीं होगा, पवन ने बिल्कुल राइट आंसर बताया है, माँ का लाडला बेटा क्या कह रहे हैं सर, वो पल क्वेश्चन का आंसर था क्या, वापस एक बार स्पष्ट बोलो भैया क्या कह रहे हो, ठीक है क्लियर है ओके। जल्दी से एक बार जो भी आप कहना चाहते हो वो एक बार वापस कमेंट कीजिए क्या कहना चाह रहे हो, और बाकी विद्यार्थी इस सवाल का आंसर दीजिएगा, 11 नंबर का आंसर क्या होगा। अच्छा अच्छा ओके ओके, जल्दी से एक बार सभी
विद्यार्थी इस सवाल का आंसर दीजिए कि इस सवाल का आंसर क्या आएगा। एक बार माँ का लाडला बेटा जो बात कह रहे थे वो एक बार मुझे वापस बता दीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दूंगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना भैया सभी विद्यार्थी। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझे पता चला कि मैं गाड़ी आने के ठीक समय से, गाड़ी आने का जो ठीक समय था, ठीक है, उससे मैं आधा घंटा क्या आ गया हूँ पहले। ठीक है, यदि गाड़ी 45 मिनट लेट थी और वह 4:10 पर आएगी, लेट हो गई 45 मिनट, फिर 4:00 पर आई, 10 मिनट पर आई, तो बताओ मैं स्टेशन कितनी बजे पहुंचा। तो मुझे एक बात बताओ, गाड़ी लेट होने के वो बाद में आया, तो ये गाड़ी का क्या हो गया, लेट समय। क्या हो गया गाड़ी का, लेट समय। याद रहे दोस्तों, सर वो क्वेश्चन 9 का आंसर बताया था। ओके ओके, कोई नहीं, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, यदि किसी भी पर्सन में गाड़ी का लेट समय दिया हुआ हो तो सबसे पहले आपको वास्तविक समय निकालना है। और वास्तविक समय कैसे निकालोगे, गाड़ी जितनी लेट हुई है वो उसमें से घटा दोगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, गाड़ी कितनी लेट हुई, 45 मिनट, तो मैं इसमें से 45 घटा दूंगा, और जैसे ही मैं इसमें से 45 घटाऊंगा तो एक घंटा इसको उधार दूंगा, 60 मिनट, 60 और 10 70 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 25, और एक घंटा इसको उधार देते यहाँ हो गया 3। तो याद रहे दोस्तों, ये हो गया गाड़ी का वास्तविक समय, ये क्या हो गया गाड़ी का वास्तविक समय। और अब मुझे आप ये बताओ कि गाड़ी के वास्तविक समय से मैं कितना पहले आया, आधा घंटा पहले आ गया, आधे घंटे का मतलब 30 मिनट में क्या आ गया, पहले। पहले आता हूं तो माइनस होगा और बाद में आता हूं तो प्लस होगा, तो 3:25 में से 30 मिनट घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा 2:55। तो बताओ दोस्तों मैं स्टेशन कितनी बजे पहुंचा, बताओ दोस्तों मैं स्टेशन कितनी बजे पहुंचा, तो आप कहोगे सर 2:55 पर। तो 2:55 किस ऑप्शन में है भैया, बी में, किसमें, बी में, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर है। नवरत्न, जय हिंद, बिल्कुल भैया जय हिंद, माँ का लाडला बेटा आंसर भी बिल्कुल सही है, पवन का आंसर बिल्कुल सही है, मैना कुमावत आंसर भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको समझाया, तो आप एक बार मुझे कमेंट करके ये बता दीजिए कि आज हमने जो पढ़ा वो आपके समझ में आया या नहीं आया। तो दोस्तों कल मिलते हैं 7 बजे, ठीक है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर मैं आपसे मिलूंगा। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, ओके, धन्यवाद।